लोकसभा चुनाव के लिए गुना से बीएसपी प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह राजपूत उज्जैन पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गुना संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हुआ है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता को पीने के पानी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से मैंने देखा है कि समस्याएं और केवल समस्याएं ही हैं यहाँ पर, जिनसे निजात पाने के लिए बहन जी ने मुझको भेजा है। यहाँ की जनता को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाना है। जब से मैंने यहाँ पर घूमना शुरू किया है पार्टी के माध्यम से, शिवपुरी और गुना और अशोकनगर जिले में पीने के पानी की एक बड़ी चिंताजनक समस्या उभर के सामने आई है। और ये आज से नहीं है, करीब 15 से 20 वर्षों से लगातार ये समस्या चली आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति यहाँ से केंद्र में मंत्री भी रहे, उनके पिताजी मंत्री रहे, और मैं तो ये कहूँगा 70 साल से सीट उनके पास रही, फिर भी यहाँ पानी की समस्या है, जल संकट की समस्या बहुत बुरी है।